हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकास कुक बुक। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी वेज मैक्रोनी। ये बहुत ही अच्छा एक नाश्ता है, आप चाहे शाम के टाइम खाइए या आप ब्रेकफास्ट में खाइए या जब भी कभी हल्की फुल्की भूख लगे तब आप ये बना के खा सकते हैं। स्पाइसी वेज मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल बॉइल्ड मैक्रोनी, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक लंबा लंबा कटा हुआ, एक बोल पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, थोड़ी सी शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई, करीब 2 टेबलस्पून बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप और थोड़ा सा ऑयल। साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा पेपर और सॉल्ट। आइए बनाते हैं स्पाइसी वेज मैक्रोनी। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियंस। अनियंस को थोड़ी देर सौते होने देंगे। प्याज को हमने हल्का सा सौते कर लिया है, प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम और कॉर्न, इनको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सब्जियों में हमें थोड़ा क्रंच चाहिए, बिल्कुल गलानी नहीं है हमें सब्जियां, इनको 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। हमने कॉर्न और कैप्सिकम को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कैबेज, बिल्कुल बारीक श्रेड की हुई कैबेज इसमें डली जाएगी, इसको भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। कैबेज ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। कैबेज बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा सौते नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे ये ग्रीन चिली सॉस और केचप। सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पेपर और सॉल्ट। पेपर सॉल्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। फाइनली इसमें जाएगा बॉइल्ड मैक्रोनी। मैक्रोनी को भी सब वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेज मैक्रोनी बनके तैयार है। अगर सब्जियां कटी हुई हो, मैक्रोनी बॉईल की हुई रखी हो तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। रात को आप प्रिपरेशन करके रख लें, मैक्रोनी बॉईल करके रख लें और सुबह आपको जस्ट ये फ्राई करनी पड़ेगी। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। हमारी मैक्रोनी बनके तैयार है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। स्पाइसी वेज मैक्रोनी बनके तैयार है। ये मैक्रोनी बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकास कुकबुक।